Rao, chess student complex. Udyan Bandh is located around chest joint complex. Udyan Bandh ka abhyas hum baith kar bhi kar sakte hai aur khade hokar bhi kar sakte hai. Thoda anatomically aur physiologically batane ke liye ek bar main use karke dikhati hu, fir hum aage jayenge. Udyan Bandh ke liye एक से घुटने में मुड़ जाना है, हाथों को घुटनों पर रख देना है, थंब अंदर रहेगा और फिंगर्स बाहर रहेंगे. उड्डयन बद्ध की वैशिष्ट्यता यह है कि उड्डयन बद्ध एक्सटर्नल बाहिक कुंभक में लगाया जाता है. यहाँ पे सांस ली, सांस छोड़ी, बाहिक कुंभक और नेवल जो है नाभि को मेरुदंड के यहाँ पीछे की तरफ खींचा जाता है. इसका कालावधि क्या है? तो यथाशक्ति जब तक आप बाहर वही कुंभ लगा कर रख सकते हो तब तक आप उड्डयन बंद को, जब भी आपको महसूस ऐसा हो जाए कि आप अभी सांस रोक कर नहीं रह सकते तो हमें उड्डयन बंद धीरे से सांस छोड़ के उड्डयन बंद को छोड़ना है. उड्डयन बंद में क्या होता है, एब्डोमिनल मसल्स जो है पूरे ऊपर की तरफ खींचे जाते हैं, डायफ्राम भी ऊपर जाता है, तो यहाँ पे एक निगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, हॉलोइंग होता है. हमने बही कुंभक लगाया हुआ है और पूरा सांस बाहर है फिर, और तो पूरा डायफ्राम ऊपर आया है, थोड़ा सा चेस्ट जो है हमारा एक्सपांड होता है, इंटरकोस्टल जो स्पेसेस है उनमें भी अंतर आ जाता है और फॉल्स इनहेलिंग जैसे हम इनहेल कर नहीं रहे हैं लेकिन ऐसा फील आता है कि इनहेल कर रहे हैं, दैट इज फॉल्स इनहेलिंग. तो वो बात उड्डयन बंद में हो जाती है. जो निगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है उसकी वजह से इंट्रा एब्डोमिनल जो ऑर्गन्स है जैसे कि किडनीज है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, पैनक्रियाज है, उनकी ब्लड फ्लो उनका बढ़ता है, उनकी कार्यक्षमता बढ़ती है. तो ये निगेटिव प्रेशर जो है उसका इसमें हमें लाभ हो जाता है. उड्डयन बंद और मूल बंद साथ में भी हम लगा सकते हैं. स्टमक उड्डयन बंद में जब हम उड्डयन बंद लगाते हैं तो पश्चात कर्म भी करते हैं, जैसे कि शयन स्थिति में लेटकर दोनों हाथों से पेट पर चक्राकार हम मालिश करते हैं. उड्डयन बंद लगाते वक्त क्या विशेष दक्षता लेनी चाहिए? जिनको पेट की बीमारी है, हृदय की बीमारियां है, हर्निया जैसा कोई विकार है तो, या रिसेंटली कोई ऑपरेशन हुआ है तो उसे ना लगाया जाए. यहाँ पे जो मसल्स है वो एक्चुअली एब्डोमिनल जब हम इनहेल एक्सहेल करते हैं और नेवल को अंदर लेके जाते हैं तो हमारे एब्डोमिनल मसल जो है वो शिथिल रहने चाहिए. तो ट्रांसवर्स एब्डोमिनलिस जो मसल है वो यहाँ पे ज्यादा काम करता है.
फिजियोलॉजिकली अगर देखना है तो रीनल एड्रिनल ग्लैंड्स यहाँ पे है, उनको कार्य संतुलित रहता है और उसका लाभ हमें उड्यान बंद में मिल जाता है। लंग्स और हार्ट, उनका भी ऋणदाब से उनकी भी कार्य क्षमता बढ़ने में मदद होती है। पाचन संस्था के जो ऑर्गन्स हैं उनकी कार्य क्षमता बढ़ने में मदद होती है। कुंडलिनी जागृति के लिए भी, आध्यात्मिक उन्नति के लिए उद्यान बंद का उपयोग बताया गया है। आगे जाके हम देखेंगे महाबंध। तो जब जालंधर बंध, उड्यान बंध और मूल बंध तीनों एक साथ लगा जाते हैं, उसे महाबंध कहा जाता है। तो वहां पे क्या होता है, पूरे हमारा स्पाइन जो है, उसके मसल्स जो है स्पाइन एक्टिवेट होते जाते हैं और जो तीनों बंध के जो फायदे हैं वो हमें मिल जाते हैं जब हम महाबंध लगाते हैं। दूसरा, ये जालंधर बंध में और एक बात बताना मैं भूल गई कि जालंधर जो गायक है, स्पीकर्स है या वक्ता है, उनको भी जालंधर बंध का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे आज मैं मेरा लेक्चर समाप्त कर देती हूँ। धन्यवाद।